एंड सेक्रेटरी जनरल को लेकर संसद ने इतिहास रच दिया। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियां वोटिंग के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट कर गई थी। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। तीन तलाक बिल 26 जुलाई को इसी सत्र में लोकसभा में पास हो चुका है। मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही तीन तलाक बिल को पारित कराने की कोशिश में जुटी थी। पिछली लोकसभा में पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था, जिसके बाद सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इस लोकसभा में फिर से कुछ बदलावों के साथ यह बिल लाया गया था और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बिल को पास कराने में सरकार सफल रही है। जम्मू और कश्मीर में सेना ने बड़ी घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। 3 हथियारबंद घुसपैठिए भारतीय सीमा में आने की फिराक में थे, तभी भारतीय सेना ने उनके मंसूबों को फेल कर दिया और उन्हें ढेर कर दिया। बक्तोर गुरेज इलाके में घुसपैठियों और सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार दोपहर से शुरू हुई मुठभेड़ अब तक चल रही है। घुसपैठिए लगातार फायरिंग कर रहे थे, सेना अभी भी सैन्य कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस पर खींचतान जारी है। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने में नहीं चूक रहे। बीजेपी नेता कृष्ण बेदी का कहना है कि रोहतक किसी समय में हुड्डा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन हमें उस गढ़ को तोड़ने का काम किया है। रोहतक के पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। उन्होंने खुलकर बोल दिया कि विधानसभा चुनाव का बिगुल कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद बजा दिया जाएगा। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद 18 अगस्त को रोहतक में विशाल रैली का आयोजन होगा, जिसके बाद बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पूर्व सांसद हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं और भाजपा ही विकास का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। यहां तक कि जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूर्व सांसद हुड्डा ने कहा कि बीजेपी से तंग आकर हर वर्ग सत्ता परिवर्तन के लिए विधानसभा चुनाव के इंतजार में है। प्रदेश के विकास को दोबारा से पटरी पर लाना है। नावरे पीड़िता के कार एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर समेत 10 लोगों को नामजद किया। इसमें एक नामजद योगी सरकार के मंत्री का दामाद है। साथ ही वो नवाबगंज से ब्लॉक प्रमुख भी है। अलावा इसके नामजद की लिस्ट में आरोपी विधायक का भाई, सेना का रिटायर्ड जवान, वकील और ठेकेदार भी शामिल हैं। रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गौरतलब है कि पीड़िता के परिजनों ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसकी मंगलवार को केंद्र की ओर से मंजूरी दे दी गई है। पंजाब के बाद अब हरियाणा के युवा नशे की लत में डूबते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी डब्बाली गांव में युवा चिट्टा और शराब के नशे से दूर है, जिस वजह से गांव में शराब का ठेका तक नहीं है। एसपी की ओर से गांव के पंचायत को प्रशंसा पत्र देकर नशा मुक्त होने का प्रमाण दिया गया। आपको बता दें कि नशे के जाल से दूर रहने वाला यह गांव सुर्खियां बटोर रहा है। सरपंच बिमला देवी ने बताया कि गांव के लोग अक्सर इस बात का मंथन करते हैं कि गांव में कोई नशे का आदि नहीं है, सभी ग्रामीण अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। साथ ही एसके के युवा क्लब के प्रधान अमरजीत का कहना है कि उनका गांव चिट्टा और नशा मुक्त हो चुका है, बल्कि यहां पर सभी तरीकों के नशों पर पाबंदी है। जिला फतेहाबाद कैटल फ्री घोषित है, बावजूद इसके टोहाना शहर की सड़कों पर आवारा पशु बेशुमार घूम रहे हैं। इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है क्योंकि इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। और इस बात को लेकर जब फतेहाबाद डीसी से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि आवारा पशुओं का आना काफी कम हुआ है, जिसका नतीजा है कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशाला जिला फतेहाबाद में बनी है। लेकिन दूसरे राज्यों की सीमा से सटे होने के कारण यहां ट्रक भरकर पशु छोड़े जाते हैं और इसके लिए पुलिस को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी पशुओं से भरा वाहन टोहाना में ना पहुंच सके। पिंजौर मेन बाजार में एक स्कूटी सवार दुकानदार को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो बुरे तरीके से घायल हो गया। आसपास के दुकानदार घायल को उसी वक्त पीएच से पिंजौर ले गए, जिन्हें गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने पीजीआई में रेफर कर दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब शिव शक्ति कॉलोनी निवासी महेंद्र अरोड़ा अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि आरोपी ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया।
फतेहाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें जल्दी अमीर होने की चाह ने इंसानियत को ही पीछे छोड़ दिया। जहां एक पति ने पैसों के लालच में अपने पति को नहर में डुबोकर मार डाला। आरोप है कि पति ने पहले पत्नी के नाम लाखों रुपए की बीमा पॉलिसी करवाई और बाद में बीमा पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर आरोपी पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। प्रदेश में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला यमुनानगर से है जहां देर रात चोरों ने जगाधरी में बने शिव मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोरी की पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मंदिर की देखरेख करने वाले युवक का कहना है कि रात को लगभग 3 बजे दो चोर मंदिर में घुसे और दान पात्र का ताला तोड़कर लगभग 20,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों के बाद चोर भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लेकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। युवा खिलाड़ियों को नशे से दूर रखने का संदेश देने के लिए बहादुरगढ़ में रन अगेंस्ट डोप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 700 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एथलेटिक्स के अलावा ताइक्वांडो, बॉक्सिंग और कबड्डी की प्रतियोगिताएं हुई। इसका मकसद युवाओं और खिलाड़ियों को नशे से दूर रखना है। बहादुरगढ़ में इस दौड़ का आयोजन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। रेस के विजेता धावकों को प्रमाण पत्र और नगद इनाम राशि भी दी जाती है। खिलाड़ियों से नशे से दूर रहकर जीवन और खेलों में उपलब्धि हासिल करने का आह्वान किया गया। इससे भावी युवा को भी प्रेरणा मिलेगी।